सिविल इंजीनियर क्या होता है और सिविल इंजीनियर बनने के आपके फ़ायदे क्या है, क्योंकि हर कोई का सपना होता है कि सिविल इंजीनियर बने, एक इंजीनियर बने, अच्छा इंजीनियर बने। तो क्या है सिविल इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग के स्कोप क्या है, सिविल इंजीनियर बनकर आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर बन गए तो इसमें बहुत सारे फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, खुद का सेटअप चालू कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरी होती है जो आप कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि आप कोई सा दूसरा कोर्स करके ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसका फ़ायदा मिलता है इंजीनियरिंग का, हर कोई फ़ायदा इसका नहीं उठा पाता है। ये होता है नॉलेज की वजह से। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई सी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ये भी इस फील्ड में आपने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप इसमें कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी तो बहुत दिक्कतें चल रही है जॉब की और ये सब ठप पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर बन गए या फिर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बारीकी से। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, तो कंटिन्यू बने रहना है अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप क्या करें, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और इसके बाद आप इसमें प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये कोर्स 4 साल का होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का होता है। इसके बाद आप इसमें कर सकते हैं, सिविल ब्रांच से कर लिया आपने, आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज से करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी फीस कम लगेगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, आप अच्छी कॉलेज से करें जहाँ तक मेरी राय है, क्योंकि इसमें कॉलेज का आपका फ़ायदा होता है बाद में कि आप कौन सी कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आपने ऐसी कॉलेज से कर लिया जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं हो रहे, कंपनीज नहीं आ रही, वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने फिर भी अच्छे से कर लिया है, अच्छी कॉलेज से कर लिया है, आपके पास स्किल है, आपने अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, कहीं से इंटर्नशिप कर ली नहीं है, तो आप इसमें सिविल में बहुत स्कोप है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, वो आपको पता है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी के नसीब में नहीं होती है सरकारी नौकरी, वो आपको भी पता है, लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है, तो आप इसमें इसका फायदा भरपूर उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में खुद की कंपनी खोल सकते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग में अच्छा इंटरेस्ट है, अच्छा नॉलेज है, आप अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप या तो फिर आप फील्ड वर्क आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप फूल डैम इनका सबका नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस लेके खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए, आपको तो अच्छे स्टार्टिंग में तो नॉलेज लेना है सबसे पहले। तो अगर आप डिजाइनिंग लाइन में अच्छे हैं, आपको नक्शे बनाना अच्छा लगता है, नए नए लुक बनाना अच्छा लगता है बिल्डिंग्स के, तो आप इसमें अच्छी जॉब कर कर, ठीक है, आप कोई सी कंपनी में अच्छी जॉब कर कर आप थोड़ा नॉलेज लेके खुद की कंपनी रजिस्टर्स करा कर अपना खुद का काम चालू कर सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन लाइन अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आप लाइसेंस किस प्रकार बनाएं उसका वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगली बात करते हैं कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जॉब भी नहीं करना है, ठीक है, अगर बिजनेस नहीं करना है, जॉब करना है, तो बड़ी कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके फिर खुद का सेटअप चालू कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि अपना खुद का बिजनेस हो, हर कोई सोचता है कि मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूँ, तो ये आपको फ़ायदा होगा सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि आप दूसरे कोर्स करके बी एस सी बी ए वगैरह करके आप नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया, तो आपने खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसी तो नौकरी ढूंढी लेंगे कि जितना आप खुद का काम चला सकते हैं, और धीरे धीरे नॉलेज होने के बाद आप अच्छी फील्ड, अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। ये आपको फ़ायदा मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था दोस्तों कि सिविल इंजीनियरिंग के फ़ायदे क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अच्छी कॉलेज से करें और अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज लें, स्किल सीखें, इसके बाद ही इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप भी बेरोजगार इंजीनियर की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।